तो गाइस गुड मॉर्निंग, और कल हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले गए थे और आज हम लोग सुबह सुबह निकले क्योंकि हम कल बहुत थक गए थे। उसके बाद जैसे ही हम बायन में घुसे, और अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। पूरा माहौल सा चेंज हो गया एकदम स्नो वाला। अब अगेन आपको लग रहा होगा बहुत ही मज़ेदार है, पर नहीं, ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है। स्लिपरी रोड हो रही है और विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है सामने की, तो बहुत ध्यान से दीपक को गाड़ी चलाना है, इसलिए मैं उसकी तरफ कैमरा नहीं कर रही। नहीं नहीं, कर दो कर दो, ये तो वैसे बहुत दिया है तो सब बाहुल है। और हाँ, हमारे ये वाले चैनल पे फर्स्ट स्नो, वो भी गाड़ी में। ओ माय गॉड, और बिल्कुल आप ये मत सोचना कि हम बाहर जाके और ये स्नो से खेलेंगे, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा करने वाले हैं क्या दीपक? ये सबसे सड़ी चीज है ये स्नो। और मस्त मस्त हो रही है, एक्चुअली देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे ना तो वही चीज जो है वो बहुत बुरी लगेगी। और कितनी देर में दीपक पहुंचने वाले हैं हम लोग? हम पहुंच जाएंगे, वैसे अगर रोड सही नहीं है नहीं तो 20-25 मिनट में पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम और लगेगा, स्लो जाना पड़ेगा। मतलब रोड तो अच्छी है, स्नो है। तो हम लोग जिसन से निकले थे, अपने फ्रेंड्स के थे वहाँ पर, क्योंकि मैं जिंगन से जिसन पास में था और बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा चलो वहीं नाइट ओवर करते हैं। और बहुत मज़ा आया हम लोगों को, कर थक गए थे बहुत ज़्यादा पर बहुत मज़ा आया। और आज सुबह निकले हैं तो ऑफकोर्स वहाँ तो बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा था, धूप धूप निकली हुई थी, सूरज आ गया था, और जैसे ही बायन बावले बायन में घुसे वैसे ही यहाँ पर स्नो स्नो हो रही है। तो आई होप म्यूनिक वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्नो दिखी होगी, जो लोग म्यूनिक वाले लोग देख रहे हैं। कपूर साहब भी स्नो में घूम रहे थे कल। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नी। आज भी वीडियो डालेगा शहर में तो कमेंट करना। और हमारे फ्रेंड्स से हमें पता चला कि वो तो इलाज कराने गए। डॉक्टर मिलर के यहाँ गए थे कपूर साहब। डॉक्टर मिलर यहाँ हर कोई तो मिलर है। डॉक्टर मिलर में इंडिया के, मान लो डॉक्टर विजय के अनुसार यहाँ, मतलब ऑब्वियसली मिलर बहुत कॉमन सर नेम है, तो डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर जैन। हाँ, मिलर आपको हर कहीं सर नेम मिलेगा, मिलर और एक दो और सर नेम जो है वो बहुत कॉमन होते हैं यहाँ पर। सो एंजॉयिंग स्नो कार के अंदर से, एंड देन विल नॉट एंजॉय स्नो कार के बाहर से फॉर श्योर। काम बहुत इम्पोर्टेंट कराना था, जो बहुत अच्छा हुआ करा लिया। स्नो देख के मुझे लग रहा है विंटर टायर्स चेंज कराने थे। दीपक बहुत बिजी था इतने दिनों से, मैं भी बहुत बिजी थी। वैसे यहाँ विंटर टायर जो है वो 50 यूरोज में चेंज हो जाते हैं ना, पर हमको बहुत इमरजेंसी में कराना पड़ा। तो हमारे घर के सामने ही एक टायर चेंज करने वाली शॉप थी, तो हमें इमरजेंसी पे वहाँ कराना पड़ा और हमने 80 यूरो दिए वहाँ पर। हाँ, क्योंकि हम सुबह उठे, सुबह देखा विंडो ओपन की स्नो। हाँ, और फिर उसी दिन शाम को हमें यहाँ मेडजिंगन आना था। हाँ, भाई साहब, लेकिन हाँ यार, अच्छा लगे, 100 लगे बिना विंटर टायर के। विंटर में गाड़ी मत चलाना, रिस्क बहुत रिस्की होता है, और लीगल भी नहीं है। आप नहीं लीगल लीगल गए तेल लेने, भैया जान कीमती है, रिस्की बहुत होता है, गाड़ी स्लाइड होती है, तो बिना मतलब वो रिस्क मत लेना। हाँ, क्योंकि बहुत स्नो हो रही है, तो अब मुझे लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज स्लिपरी रोड है। इनके स्नो नहीं भी होती ना, तो आजकल जो आइस है वो जम जाता है रोड के ऊपर, टेम्परेचर की वजह से। तो एक चीज जो है वो हमने बिल्कुल कर ली थी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है जर्मनी में, मोटी मगर मोटी बातें हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना चाहिए इन सब के। दीपक है क्या? देख, इस बंदे की नहीं है विंटर टायर, सबके ये भी विंटर टायर है, वैसे पता नहीं चलता दूर से। नहीं, काले वाले मुझे लगता नहीं, यार वो कैप होती है, कोई लोग कैप लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। नहीं तो हम इनकी कंप्लेन कर देंगे। अच्छा, जिनने जिनने नहीं लगाया उनके नंबर लिख के और भेज देंगे, देखो इलीगल काम कर रहे हैं जर्मनी में। क्या दीपक, तुम वो हो क्या? क्या दरोगा? क्यों,
दरोगा हो तुम? दरोगा कौन होता है? अरे यार दरोगा नहीं पता? नहीं, इंस्पेक्टर हो गया। और क्या? इंस्पेक्टर नहीं हूँ, और क्या, मैं खबर हूँ क्राइम पेट्रोल का। खबर दूंगी हर एक चीज। खबर ही लगाओ दरोगा साहब को फोन। नो, अपने मोहल्ले में घुसते हुए, मोहल्ला है ना अभी मेरा अब्बा चब्बा ढब्बा है, क्योंकि अभी मैं समझ नहीं पाई हूँ कहाँ हमारा मोहल्ला है। मोहल्ला ही है यही है ना, यही है, दिख भी नहीं रहा। तो अब हम पहुंच गए हैं, अब हम थोड़ा रेडी वेडी होके फिर बात करते हैं आपसे। व्हाट डू यू से? आई से वेरी गुड। यू से वेरी बैड। अभी तो ये सामान वामान भी निकालना है, पर आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। आज संडे है तो सुपरमार्केट भी सब बंद है। आई डोंट नो मिल्क पैकेट है या नहीं है। है ना? अरे बंद है ना, बंद। मैं बता रहा हूँ, रेवे लिडिल। तुम पूछ रही थी कहाँ है ना अपने। अच्छा, घर के आगे। हाँ, तो हमारे घर, अपना घर, घर के आसपास सारे ही सुपरमार्केट। बहुत ही पास है यार ये तो, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं अपने कहाँ खड़े हुए हैं ठंड में। तो पना पहन रहा है, कपड़े नहीं पहनते। तो हम अपने रहने वाले हो गई है। और सबसे पहला काम जो हमने किया है वो है हमने मैगी और चाय। तो हमने सबसे पहले किचन स्टफ जो है वो ओपन किया, नहीं सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ के, मतलब दिया लगा के, एंड दीपक टी और कप नहीं मिल रहा था इसलिए कॉफी वाले कप में पी रहे। इसको वहां खिसका दूं ताकि बैठ के अच्छे से। हाँ, और थोड़ा बहुत बस सॉर्ट आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे पहले राउटर लगा दिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, इंटरनेट। आजकल भगवान के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घर में वाईफाई। वाईफाई सबसे इम्पोर्टेंट। मैं मतलब ये दीपक बोल रहा था हो सकता है सिर्फ मंडे तक होगा, तो मैं बोल रही हूँ दीपक मैं बिना, मुझे पता ही नहीं है बिना इंटरनेट के कैसे जीते हैं, मैं कैसे जीऊँगी बिना इंटरनेट के। पर राउटर वाला काम हो गया और हमारी मैगी और ये बन गई है, एंड बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। एक घर में घुस के ऐसा लगता है ना, पॉजिटिव वैसा वाला लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट जो है वो हमारे घर से बाहर निकलते से ही है, है सबसे ज़्यादा खुशी। इतनी खुशी कि तुमने सोची भी ना होगी। तुमने भी ना सोची होगी। नहीं होती कहीं से बन। अगर ये चाबी घूम जाएगी तो 500 यूरो का चूल्हा लग जाएगा तुरंत। तो ये देखो हमारे घर से बाहर निकले, ये हम बाहर निकले और ये हमारे सामने है सुपरमार्केट। हाँ मैं लाई हूँ। दीपक का बस एक ही क्वेश्चन रहता है मुझसे, तो आइडियली हमारा जो घर होता वो होता अगर वो देने को तैयार होती, तो हमारी प्रेफरेंस थी वो वाला, है ना। हाँ तो दीपक क्या बोल रहा है, यहाँ माहौल बहुत अच्छा हो रहा है क्या? क्या बोल एटमॉस्फेयर है। दीपक बोल रहा है लड़ाई वड़ाई हो जाए। मैं कह लड़ाई वड़ाई हो जाए, रात को आगे यहीं बैठ जाओ बढ़िया शांति से। तो दीपक ने लड़ाई का जो है वो पहले से ही वो बता के रखा है कि भाई लड़ाई हो जाए मैं यहाँ मिलूंगा, कि मैं यहाँ मिलूंगा, लेकिन मैं उस तरफ जाऊंगी। आई एम डिफरेंट। सो सीन हो रहा है ये, हम लोगों ने अपना गद्दा बिछा लिया है और ठंड है बाहर, ठंड है, और हम लोग अपनी चाय थोड़ी देर में चाय बनाएंगे मूंगफली खा के, और फिर कुछ होता है देखते हैं, देख रहे हैं। मतलब आप लोग भी अगर ऐसा कुछ करते हो तो कमेंट करो।
जब आप शिफ्ट करते हो स्पेशली पुरानी मूवीज और ये नीचे गद्दा बिछा के लेटने का अलग ही मजा, और ये सब देख के कितनी यादें ताजा हो जाती हैं। शादियों के सीजन याद आ रहा है। आदि पर जय जगदीश हरे, स्वामी जी छत से गिर पड़े। या